गाइस अभी मैं होंडा डियो चला रहा हूँ और ये 110 cc स्कूटर है। तो बेसिकली सब लोग जानते हैं कि जो स्कूटी का एवरेज रहता है वो 40-45 से ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन दोस्तों इसका ये थोड़ा एडवांस है स्कूटर। एक्टिवा से थोड़ा सा महंगा है, पर इसमें आपको चीज़ें बहुत सारी देखने को मिलती हैं टेक्नोलॉजी के मामले में। अभी मैं चला रहा हूँ इसको, तो दोस्तों यहाँ आपको इंस्टेंटेनियस स्पीड कंजेशन दिखा रहा है ये 79.9 किलोमीटर। जब मैं 30 पे चल रहा हूँ, अभी मैं 45 को और सेट करता हूँ 45 या 50 की स्पीड पे, तो लगभग 70-72 का दिखाता है इंस्टेंटेनियस स्पीड कंजेशन। तो ये वेरिएबल होता है स्पीड के हिसाब से। अगर आप सडन एक्सीलेट इसको करोगे स्कूटर को, तो एकदम ये देखो मैंने ये कर दिया यहाँ पे, और इसका एकदम फ्यूल इकोनॉमी ड्रॉप हो जाएगी। अगर मैं ग्रेजुअली इसको इंक्रीज करता हूँ तो गाइस इसकी स्पीड, इसका माइलेज काफ़ी ज़्यादा स्टेबल रहता है और बढ़िया माइलेज आता है। तो आपको मैं बताना चाहूँगा, अगर आप माइलेज बढ़ाना चाहते हो किसी भी स्कूटर किसी भी बाइक का, तो इसको आप ग्रेजुअली इसकी स्पीड बढ़ाएं। और उसके बाद देखिए, मैं अभी इसको बढ़ा रहा हूं और धीरे धीरे बढ़ाऊंगा, 50-55-60 की स्पीड पर भी चलूंगा 55 पे, तब भी इसका ये IFC जो है ना इसका, ये 70-75 दिखाएगा, और इस हिसाब से मेरा जो एवरेज दिखाएगा वो लगभग 60 या 65 का अभी करंट में दे रहा है, जो इसकी पूरी ट्रिप में दिखाना चाह रहा हूं आपको। अभी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूं, तो आप गाइस इस चीज़ को नोटिस करना, ये मैं थोड़ा सा और ऊपर जा रहा हूं। अभी देखिए मैंने थोड़ा सा एक्सीलेट करा तो ये 52 पे आ गया है, और थोड़ा सा और बढ़ा रहा हूँ अभी इसको, तो और थोड़ा सा ऊपर लेके जा रहा हूँ। ये 40 पे आ गया, और यार लाइट भी दे रखी है ऊपर इंडिकेशन के लिए। अगर आपकी तीनों लाइट जल रही है तो मीन्स मैक्सिमम फ्यूल सेव कर रहा है, ऑप्टिमम आपको एफिशिएंसी इसमें मिल रही है इस टाइम पे। ये 41 पे मैं आ गया हूँ, अभी मैं चला रहा, थोड़ा सा यहाँ ट्रैफिक इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, मुझे ही वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो ये दोस्तों एक कंप्लीट शॉर्ट था, इवन वीडियो था। आपको अच्छा लगे तो लाइक करिए दोस्तों, साथ शेयर करिए, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आगे देखने के लिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।